दंगली टूटने के बाद से हमारे गांव की काया पलट हो गई। घर घर में छोरियों की पूजा हो रही है। छोरियां छोरों की तरह दंगल खेल सके यो तो साबित हो गया, पर छोरे छोरियों की तरह टप्पू खेल सके यो साबित नहीं हुआ। और सबसे बड़ी बात, केवल छोरियां ही वर्ल्ड टप्पू चैंपियन बन सके, इसलिए छोरी पैदा होते ही गांव में पटाखे चलने, लड्डू बांटे जाएं। मैं भी लड्डू लेके घूम रहा हूं, हमारे घर में भी छोरी आएगी, हमारी घरवाली भी पेट से है, हमारे घर भी छोरी आएगी। लेकिन महावीर पोपट की किस्मत में बेटी नहीं थी। मुबारक हो पोपट जी, दूसरी बार भी बेटा ही हुआ है। जो सांझ ख्वाब देखते थे नैना, बिछड़ के आज रो दिए हैं। यो कैसे? यो आपके दो छोरे हैं जी। अरे अभी तो लड्डू उठाए भी नहीं मैंने, इतने बड़े हो गए। मने माफ कर दो, मैं आपको छोरी ना दे सकी। गलत मत समझ मने, यो दोनों भी क्या नाम है तारा? घोंचू और भोंदू। घोंचू और भोंदू? नहीं पापा, मैं भोंदू और मैं घोंचू। देखो ये दोनों भी मुझे इतने ही प्यारे लग गए हैं जितने महावीर जी को गीता और बबीता थे। लेकिन पोपट की जिंदगी में एक ट्विस्ट आ गयो। एक दिन घोंचू और भोंदू तबेले के पाछे तापू खेलते हुए पाए गए। मैं तो हमेशा यही सोच के बैठा था कि मेडल तो सिर्फ छुरी ला सके, पर मैंने तो कभी सोचा ही नहीं कि मेडल तो मेडल हो गए, छुरी लावे या छोरा। चलो आज से तुम दोनों की ट्रेनिंग शुरू। ट्रेनिंग? छोरों की तरह कुश्ती की ट्रेनिंग? नहीं, छोरियों की तरह टप्पू की ट्रेनिंग। आज से तुम एक टांग पे चलोगे और एक टप्पू खिलाड़ी की जिंदगी जियोगे। टांग ऊपर अपनी। पहनो इसको। पहनो। आपको खेलना आसान काम नहीं है, ये सिर्फ छोरियां खेल पाऊं, उनके लिए छोरी उतरा बनना पड़ेगा। खाओ इसमें, खाओ। करेंगे बस हमारे बापू के इस टापू से बचा ले। साल भर के लिए भूल जाओ कि तुम्हारी कोई मम्मी से। अरे अभी से भूल गए क्या? जो चीज तने इस टापू से दूर करेगी मैं उसको दूर कर दूंगा। और ये क्या है? ये फेंक इसको, ये पकड़ो दोनों, स्वेटर बुनो, छोरियों की तरह कुछ कंस्ट्रक्टिव करो, टाइम का यूटिलाइजेशन। और फिर महावीर पोपट की मेहनत रंग लाई। वो दिन आ गया जब घोंचू भोंदू को टापू चैंपियन का मेडल मिला। आज हमारे छोरे पिंक और पर्पल का फर्क बता सके, ट्रैक्टर के साथ साथ कढ़ाई में कड़छी भी चला सके, नाच सके, गा सके, लड़कियों की तरह सेंसिटिव बन सके। तो बोलो इंडिया, हमारे छोरे छोरियों से कम है कि? हेलो, आई एम हियर। Hello, I'm here. My name is Pappu. And I am the senior most junior artist in the film industry. Beautiful, I should have a scene in front of me. I can't trust
myself. अब अभी गेम खेली क्यों ऐश्वर्या जी, वो वाली आंखें नहीं झपकना ऐसे कर रही है, खेली है उन्हें वो जो पहले कौन आंखें झपकते मेरे साथ नहीं लगे थे और सब ठीक था ट्रैफिक हो ही जाता है मुंबई में ना शाम को और सुनाइए जो टाइम निकल जाए जी अच्छा आलिया आई जस्ट वांट टू सी आपकी ड्रेस की तरफ दो मिनट देखा हूं तो मेरी आंखों में मोतिया उतर आएगा बता इतनी ज्यादा चमकीली ड्रेस है ना आप अलग ही लग रही हैं आलिया आपको पता है कि मैंने बड़ा सारी फिल्मों में काम किया है आई कैन प्रूव इट टू यू यू नो आई विल शो इट टू यू यहाँ पे देखिए अगर आपको यकीन नहीं आ रहा तो इतनी फिल्में आप लोगों ने नहीं की होगी जितनी मैंने की है ये देखिए दिखाइए जी फिल्म दिखाइए ये सुल्तान में वो पीछे आदमी खड़ा ना झंडा लेके वो मैं हूँ एंड आई चीयर द मोस्ट इफ यू सी एक और है दिखाइए वो सीन ये इधर खड़ा हुआ हूँ रुस्तम में देखिए वो राइट सन ये इधर ये ना ये सर्कल मारा हुआ मैंने ये मैं रुस्तम में भी था ये देखिए ऐ दिल मुश्किल में मैं था बट मेरे को थोड़ा सा फोकस में नहीं रखा उन्होंने बट यू सी विद दिस डबल आई लुक वो वाओ वो एक और है फिल्म बाहुबली में देखिए बड़ा खूंखार रोल किया मैंने वो देखिए लेफ्ट में गोल लगा हुआ ये देखिए बाहुबली वैसे मैं पूछना चाहता हूँ आलिया जी से आपको आजकल टमाटर का भाव पता है टमाटर एक चीज होती है गोल गोल इसका भाव पता है व्हाट इज द प्राइस ऑफ टमाटो पता नहीं मुझे टमाटो से एलर्जी है आप सब्जी लेने जाते हो कभी नहीं पता है आप अगर सब्जी लेने जाओ तो धनिया ऐसा फ्री में देंगे ना आपके ऊपर लुटाएंगे आप जाएंगे तो बट आलिया आई जस्ट वॉन्ट टू से वन थिंग शायद एक सेकेंड आप एक सीधा खड़े हैं मैं सेल्फी लेने एक मिनट अरे नहीं एक ऐसा कुछ नहीं मैं उनको किडनैप नहीं कर रहा हूँ सेल्फी एक मिनट शायद मैं बट सेल्फी ले लेता हूँ आलिया जी के साथ थैंक यू सो मच ओके आलिया अगर इफ यू डोंट माइंड आप कभी डेट पे गई होंगी कभी ऐसा हुआ है कभी डेट पे गई हैं नहीं एक्चुअली मैं कभी डेट पे नहीं गई हूँ किसी ने पूछा ही नहीं ये तो सरे हम मौका दे रही है ना फिर वो वाली बात कर रही हैं मैं आज आपको डेट के लिए पूछना चाहता हूँ डू यू हैव फोर मिनट्स मन तो मेरा ऐश्वर्या जी के साथ भी था बट वो क्या अभिषेक जी देख रहे होंगे घर पे मेरे पापा देख रहे हैं घर पे कोई बात नहीं उनको मैं संभाल लूंगा उन्होंने कई बातें करनी है इंग्लिश में मैंने कहा ओ वाह ओके सर फोर मिनट्स आपको अपनी जिंदगी के फोर मिनट निकालने होंगे दैट्स इट थ्री एंड हाफ में ही काम खत्म करने की कोशिश करूंगा प्लीज आइए कैसे कंगी करती होंगी ना बाल आइए प्लीज आइए आइए स्टेज पे चलते ये बॉम्बे है बॉम्बे में डेट पे जा रहे हैं हम लोग और ट्रेन अंधेरी स्टेशन आ गया इधर इधर करो तेरी मानू दिखाए बस बस आओ वाह अंधेरी स्टेशन लेट्स बोर्ड द ट्रेन कम ऑन आओ प्लीज बहुत कम देर रुकती है यहाँ पे ट्रेन दिस इज फॉर यू Let's get down. Bandra is a lovely romantic place. Bandra ki shakal dekho pehle aap. Khelo de.
This is Galaxy Apartment. No, this is Mannat. This is Shah Rukh Khan's Mannat, and that is Galaxy Apartment of Salman Khan. It's a band, a romantic bandstand. Oh, Pani Puri, you want to have Pani Puri? Yeah. What a nice day. Film dekhne chale? Hello? Okay, film dekhne chale, aaiye. बॉम्बे में फिल्म देखने का मजा ही बड़ा है, इससे हॉरर फिल्म है। और आपको फिल्म देखते हुए थोड़ा डर लगे ना तो आप मेरे को बता सकते हो, मतलब मेरे को आप कैच कर सकते हो, ठीक है? प्लीज हैव अ सिट। डू यू वांट माय फोन नंबर? नो। ओके, फिल्म शुरू होगी। ओह, इससे हॉरर फिल्म, आपको डर लगे तो मुझे पकड़ लेना, ठीक है? मुझे यहाँ डर लग रहा है। ये फिल्म ऐसी है जो इधर इधर मुंह करके देखनी पड़ती है। फिल्म इज ओवर, वेरी नाइस फिल्म। आई थिंक बॉम्बे इज अ लवली प्लेस, बट यहाँ मौसम का कुछ पता नहीं होता है ना। ओ बरसात हो गई। रवि रवि सी हंसी होठों पे बसी है, गुगुरी कर रही हवा। ए आइटम आती है खंडाला। ए विषम 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 जल्दी जा, टाइम नहीं है, जल्दी जा। This is for you. करने दे ख्वाबों को बदमाशियाँ, चलने दे नजरों की मनमानियाँ, ढूंढे चलो कुछ ठिकाने न। You want to go club with me? पगली पगली सी ना। No, चलो चलते हैं। It is a very good club in Bombay, नया खुला है। Hey bouncer, two couple, not stag today. Aliya Bhatt, सारे देख मर जा। इंग्लिश पिक्चर आप देखती होंगी, डेट के एंड में उसमें क्या करते हैं, वो करते हैं। आइए करें वो डेट के एंड में क्या, मैं तो सब कुछ थोड़ी बात बताऊंगा। इंग्लिश पिक्चर नहीं देखती मैं, सिर्फ हिंदी पिक्चर देखती हूँ। डेट के एंड में लोग घर चले जाते हैं, उसमें गुड नाइट बोलते हैं ना इंग्लिश पिक्चर के एंड में। गुड नाइट। आपने मेरा दिल तोड़ दिया है। थैंक यू, बहुत मजा आया। थैंक यू, थैंक यू सो मच आलिया। थैंक यू। कैन हियर फॉर आलिया बट एवरीवन एंड दिस लवली डे दैट आई हैड विद हर। ये अपने भाइयों को बांध देना।